चलिए दोस्तों, तो आप में से कुछ स्टूडेंट्स ये बोल रहे हो कि अभी ऑटो अपग्रेड फिर से करना होगा, ओके, यानी फिर या फिर से आप लोग कॉलेज चॉइस कर सकते हो। तो ये के स्टूडेंट है, ठीक है, आप डेट देख सकते हो यहाँ पे कौन क्या डेट मेंशन है, 18 है ना। तो सीट यहाँ पे देखना, हम लोग सीट अलॉटमेंट रिजल्ट में, ठीक है। तो इनका रिजल्ट चेक करता हूँ, तो क्या लिखा है, सॉरी यू हैव नॉट अलॉटेड एनी सीट इन करेंट राउंड, ओके, इनका कोई सीट नहीं मिला है। अब देखता हूँ इनका चॉइस फिलिंग फिर से करके कि इनका चॉइस फिल हो रहा है या फिर नहीं हो रहा है, ओके। तो यहाँ देख सकते हो अवेलेबल है ना चॉइस, इसमें चेक करूंगा तो इसमें कुछ नहीं शो कर रहा है। इधर चॉइस फिलिंग्स है ना, पीरियड इज ओवर, यानी कि कुछ नहीं हो सकता इसमें। अब मैं करता हूँ ये फिल चॉइस, ओके, तो देखता हूँ ये हो रहा है कि नहीं। तो इसमें भी लिखा रहा है इधर चॉइस फिलिंग पीरियड इज ओवर और नॉट स्टार्टेड येट, मतलब क्या ये ओवर हो चुका है या फिर अभी स्टार्ट नहीं हुआ, यानी कि इसका हर एक ऑप्शन बंद कर दिया गया है, अनलॉक भी नहीं होगा, कुछ भी नहीं होगा। देखो अनलॉक करता हूँ, ये भी नहीं हो रहा है, ओके। तो यानी कि आपको कुछ नहीं करना है, सेकेंड राउंड के लिए कुछ करना है नहीं, ऑटोमेटिक रिजल्ट आएगा, ओके। देखो जिसका रिजल्ट नहीं है ना वो बोलता है ऑटो अपग्रेड, देखो ऑटो अपग्रेड है, इस पर मैं क्लिक करता हूँ तो ऑटो अपग्रेड नहीं हुआ, सॉरी यू हैव नॉट अलॉटेड एनी सीट्स इन करेंट राउंड। तो सीट अलॉटमेंट को कौन करेगा, जिसका सीट अलॉट हो रखा है, मतलब जिसको रिजल्ट मिल चुका है, ओके। और ये देखो डाउनलोड अलॉटमेंट लेटर है ना, यहाँ से आपको ये डाउनलोड अलॉटमेंट लेटर मिलेगा जिससे आपको कॉलेज मिलेगा। तो जिसको कॉलेज नहीं मिला ना वो ये भी नहीं कर सकता है। देखो ये मैं करता हूँ, देखो ये भी नहीं हो रहा, कुछ भी नहीं होगा, आप अभी कुछ नहीं कर सकते, आपका रिजल्ट ऑटोमेटिक आएगा, ओके। तो आप देख रहे हो प्रूफ, जिनका कोई कॉलेज नहीं अलॉट हुआ है उन्हें वो अभी कुछ नहीं करेगा, सेकेंड राउंड में उनका रिजल्ट ऑटोमेटिक आएगा, ओके। नेक्स्ट वीडियो में गॉड ब्लेस यू ऑल।